चलिए क्लास ये स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न रखे हुए थे और आप लोग एक सवाल दिए थे बनाने के लिए, क्योरी टू क्वेश्चन ऑफ द डे। दो नंबर दो दूसरा सवाल था ये आपका, इफ ए माइनस वन बाय ए बराबर बी, बी माइनस वन बाय बी बराबर सी, सी माइनस वन बाय सी बराबर डी हो तो वन बाय ए बी प्लस वन बाय बी सी प्लस वन बाय सी ए बराबर क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को अगर हम बतावे तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकंड में सॉल्व तभी होगा जब आपके पास बैग का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो होगा। देखो कि ये सवाल बहुत ही यूनिक सवाल है। ये सवाल का अगर आपको पहला अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़े होंगे तो सवाल बनाने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप जो तरीका अभी आपको बता रहे हैं अगर आपको समझ लिए, ये सवाल 2017 के मेंस का टफेस्ट सवाल में से एक सवाल ये भी माना गया था, इसलिए आप लोग ध्यान समझिएगा इस सवाल को कैसे बनाना है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। पहले आपको हम बताएंगे बाय प्रोसेस 2 से 3 तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे, और लास्ट में आपको वो तरीका बताएंगे जहां बस क्वेश्चन देखिएगा और उत्तर आपको आ जाएगा। हो सकता है आगे डी माइनस वन बाय डी बराबर ई कर दे, हो सकता है सी माइनस वन बाय सी डी है वो कर देगा आगे डी माइनस वन बाय डी बराबर ही, कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारा रास्ता आपको पता होगा तो बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इसको हम बाय प्रोसेस सॉल्व करते हैं, बाद में फिर कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको सॉल्व करवाएंगे कि कैसे बनाना है। इस सवाल को ट्रिक से भी बताएंगे आपको। पहले प्रोसेस समझिए कि कहाँ से आ रहा है, 2-3 तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ध्यान सब लोग देखिएगा। तो टाइप 1 फर्स्ट मेथड से पहले इसको देखिए क्या है। सबसे पहले एक बात मैं बताइए, आप लोग जानते होंगे अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगर हम इसका होल स्क्वायर ज्ञात करते हैं, अगर हम इसका होल स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, ये 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 2 × 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca प्लस 1/ca। मालूम होगा आप लोगों को ये, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, हमें ये बताना था, एक फॉर्मूला होता है आपका 1/a 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस यह है ना आपका 1/ करके दिया, सॉरी 1/ है ना, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c². ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर माइनस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c². लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले ये समझिए, डायरेक्ट फॉर्मूला तो किसी को याद नहीं रहता, तो पहले प्रोसेस समझिएगा। हम जानते हैं, इसको हम प्रूव कर देते हैं आपको, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाना है 1/ab के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/ab लिखें, सारे बात को लिखेंगे नहीं, कुछ आपको समझते हुए चलिएगा, 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर क्या कर सकते हैं, खुद सोचिएगा। पहले इसको उधर लाएंगे हम, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर माइनस 1/a² 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/c². अब देखिए, लेकिन ये तो आपका 2 × था, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहीं से ये फॉर्मूला आपको लाया गया है, यहीं से इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया, 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर माइनस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/ca². अब देखिए हमें निकालना किसी चीज को है, हमें पता होना चाहिए 1/ab 1/bc 1/a 1/b 1/c और उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। तो पहले हम ये पता करें कैसे, अभी हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस पे बता रहे हैं कैसे बनना चाहिए। अब देखिए करना क्या, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, फिर आपको ये पता करना पड़ेगा 1/a 1/b 1/c कैसे पता करते हैं, इस बात को देखिएगा। यहां देखिए अगर इसमें हम, मेरी बात समझिएगा, अगर इसमें हम बी से भाग कर दें, खुश सोचिएगा, बी से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए बटा बी माइनस 1/b बराबर 1। इसमें अगर हम सी से भाग कर दें क्या हो जाएगा, ये बी बटा सी, ऐसा रखिए आपको पता क्या करना है, 1/a है ना, इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा 1/a² 1/b² प्लस 1/c² है, हमें पता करना है सबसे पहले 1/a, अगर 1/a निकालते हैं तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी, यहां देखिए 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/b बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस सी और 1/c बराबर हो जाएगा आपका, 1/c बराबर हो जाएगा आपका ये भी bc, सॉरी यहां a होगा ना सर, ए बी सी यहां पर ये है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन शायद ये दिया हुआ है मिस्टेक लिखने में, और ये हो जाएगा आपका सी माइनस ए। अगर हम सबको ऐड करते हैं, दिख रहा है यहाँ, अगर हम सबको ऐड करते हैं, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, क्या कर सकते हैं इसको हम, अगर ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे हम इस चीज को, कि पाएंगे 1/a प्लस
वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए अगर इसको हम ऐड करते हैं, अगर इस सबको इस टोटल को अगर हम ऐड करें तो क्या पाएंगे, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल गया। तो ये टर्म तो हमारा पता चल गया, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बराबर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब मकसद हमारा इस चीज को पता करना है, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर कैसे पता करेंगे, इस चीज को आपको पता करना है, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर कैसे पता करते हैं, जिसको आप देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया हमारा, अब इसको कैसे लाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर इस टर्म को हम देखें फिर से अगेन, एक टर्म आपका निकल चुका है, अब आगे देखिए अगेन, अगर हमें पता करना है 1 बाय, पहले 1 बाय अगर हम यहां से निकालते हैं तो 1 बाय ए, 1 बाय ए बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 बाय ए बराबर हो जाएगा आपका, अगर 1 बाय ए डायरेक्ट अगर हम करने का प्रयास करें तो यहां से निकल जाएगा आपका 1 बाय ए बराबर बी माइनस ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये दिया हुआ है आपका 1 बाय ए, अगर यहां से देखें तो 1 बाय ए बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए माइनस 1 बाय, इसका 1 बाय स्क्वायर पता है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग है समझना एक पल आप लोग को, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बाद में बताएंगे शॉर्ट अप्रोच क्या है वो, पहले लॉन्ग प्रोसेस पूरा समझिए, 1 बाय ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर बी स्क्वायर, तो फाइनली इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय ए स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली इसी प्रकार से 1 बाय बी स्क्वायर अगर हम पता करते हैं, 1 बाय बी स्क्वायर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय बी था यहाँ पर पता कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 एंड 1 by c स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 by c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं इसको ना, अगर हम इस सबको ऐड करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं आप लोग फिर आगे देखिएगा ठीक है, या 1 by a स्क्वायर का भी मान निकल गया हमारा, 1 by b स्क्वायर का मान निकल गया और 1 by c स्क्वायर का मान निकल गया, अब करना क्या, सबको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, ऊपर मिटा देते हैं ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, अगर हम सबको ऐड करते हैं यहां से क्या निकलेगा हमें, 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b square plus 1 by c square बराबर हो जाएगा आपका, 1 by c square बराबर हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे अगर, देखिए यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये b square minus a square plus 2 फिर हो जाएगा आपका c square minus b square plus 2 फिर हो जाएगा आपका, ऊपर नहीं दिख रहा है, प्लस हो जाएगा आपका a square माइनस सी स्क्वायर प्लस 2, सब देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया टोटल मिला करके, इसका मान कितना हो गया, मतलब दो चीज हमें पता चल गया कि 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बराबर 0, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया अच्छे, अब बस कुछ नहीं करना, दोनों निकालने के बाद ये चीज आपको निकालना पड़ेगा, प्रोसेस बता रहे हैं आपको कहां से आ रहा है, अब क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, उत्तर आपका निकल जाएगा, आप देखिए हाफ ऑफ 1 बाय इसका मान तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 6 हो गया, बराबर कितना हो गया 1 बटा 2 गुना माइनस 6 बराबर उत्तर कितना हो गया माइनस 3 आपका उत्तर हो गया। एक तो ये तरीका था, बहुत ही यूनिक रास्ता था बनाने का, है कि नहीं, आप इसे बना लिए, आंसर क्या आ गया 1 बाय ए बी प्लस 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय सी बराबर क्या हो गया माइनस 3 आपका उत्तर हो गया। जिनको समझ में नहीं आएगा बैक करके फिर एक बार समझिएगा, आपको पूरा प्रोसेस पे बताए, आप सेकेंड मेथड देखिए वो भी आसान है, थोड़ा सा वहां भी याद करना है आपको, समझ गए ना इस बात को, अब आगे मेथड को देखते हैं टाइप टू, दो तरीके, सेकेंड मेथड क्या है इसका ये भी समझते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड क्या क्या दिया हुआ उसको भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले यहाँ ये भी पता करना है हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, एक कंडीशन होता है आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, ट्रिक होता है यदि 1 माइनस 1 बाय ए बराबर बी, ट्रिक होता है इफ b माइनस 1 बाय बी बराबर सी, सी माइनस 1 बाय सी बराबर ए, देन a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए बराबर होता है 0, इसको आप लोग याद रखिएगा, ख्याल में रखिएगा, इसका उपयोग करते हैं, उपयोग करके देखते हैं कैसे बनता है, चलिए ध्यान देते हैं, हमें दिया हुआ है इसका a माइनस
वन बाय ए बराबर बी, हम बी से भाग कर देते हैं, ए बटा बी माइनस ए बी बराबर कितना हो गया वन। यहाँ देखिए दिया हुआ है b माइनस वन बाय बी बराबर दिया हुआ है c, c से भाग कर देते हैं b बटा c माइनस वन बटा बी सी बराबर ये भी हो जाएगा वन। यहाँ देखिए c माइनस वन बाय सी बराबर है a, यह हो जाएगा आप इसको भाग कर देंगे a से तो c बटा a माइनस वन बटा ए सी बराबर हो जाएगा आपका वन। और सबको आप यहाँ पे ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए माइनस सबको कॉमन कर लेते हैं वन बाय ए बी प्लस वन बाय बी सी प्लस वन बाय सी ए बराबर कितना हो गया थ्री। आपको पहले ही बताएं अगर ऐसा कंडीशन हो इसका मान कितना होता है, इसका मान क्या हो गया आपका, ये जो टर्म है आपका इसका मान कितना होगा वन बाय ए बी वन बाय बी सी वन बाय सी ए वन बाय ए बटा बी बी बटा सी सी बटा ए का मान क्या बताएं अभी आपको जीरो होता है। अगर जीरो होता है तो सॉल्व कर देंगे जीरो माइनस वन बाय ए बी वन बाय बी सी प्लस वन बाय सी ए बराबर थ्री। इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ ए बी वन बाय ए बी वन बाय बी सी और वन बाय सी ए बराबर क्या हो गया उत्तर आपका माइनस, उससे शॉर्ट बना उसे शॉर्ट बना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इस कंडीशन में वन ए माइनस वन बाय बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर सी सी माइनस वन बाय सी बराबर ए अगर हो तो वन बाय ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय बराबर जीरो होता है, इसका भी प्रूफ है। लेकिन हम ये सवाल को अभी नहीं पढ़ रहे, हम सवाल दूसरा पढ़ रहे हैं, बार बार प्रूफ करने में वजह का लंबा जाएगा, आपको याद रखना है इसको a by b b by c c by a बराबर क्या होता है जीरो होता है। अगर याद रहा उसे शॉर्ट आसानी से बस b से भाग कर देंगे, ये हो गया a बटा b सबको बस यहाँ, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे, ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा, आपका उत्तर यहीं से निकलेगा a बटा b सबको जोड़िए इसका मान जीरो, उत्तर आपका निकल गया माइनस थ्री। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका तो आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा याद रखिएगा आपका तुरंत बन जाएगा, तीन के जगह चार टर्म भी दिया रहेगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी आपको हम बता रहे हैं। ध्यान देखते हैं टाइप नंबर ध्यान से देखते हैं, सेकेंड मेथड था, तीसरे मेथड को ध्यान से हम लोग अब देखते हैं, तीसरे को देखते हैं हम लोग थर्ड मेथड, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से देखना है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन इफ ए माइनस वन बाय ए बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर सी हो, इसका मतलब होता है हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ ए बी बराबर, आपको सॉल्व कर देना है इसको ए बी करके डायरेक्ट आपको निकालना है, इसका मतलब होता है हाफ ऑफ क्या मतलब होता है वन बाय ए बी बराबर होता है माइनस दो। याद रखिएगा प्रूफ के लिए कर लीजिएगा घर में बैठ के प्रूफ, अगर ये तीन टर्म में हो ए माइनस वन बाय ए बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर सी सी माइनस वन बाय सी बराबर ए हो देन वन बाय ए बी वन बाय बी सी वन बाय सी ए बराबर माइनस थ्री। याद रखिएगा ये कंडीशन जो है कैट के सवाल का, अगर याद रख लिए तो ऐसे ही निकल गया आपका, नहीं याद रखिए तो ये दो तरीका आपको बताए। ऐसा कंडीशन हो अगर दो टर्म होता है तो माइनस दो, तीन टर्म में होता है तो माइनस थ्री, अगर ये चार टर्म में हो, चार टर्म को समझते हैं, चार टर्म क्या होता है दिया हुआ है ए माइनस वन बाय ए बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर सी सी माइनस वन बाय सी बराबर ए सॉरी डी b माइनस वन बाय डी बराबर अगर a हो, सवाल समझ रहे ना, a माइनस वन बाय ए बराबर b b माइनस वन बाय बी बराबर c c माइनस वन बाय सी बराबर d और d माइनस वन बाय डी बराबर अगर आपको a दिया हुआ है तो इसका तो इस कंडीशन में क्या होता है, जहां से लिखना है वन बाय ए बी सब सबसे मल्टीप्लाई वन बाय बी सी दिख रहा है आपको वन बाय बी सी वन बाय सी ए नहीं दिख रहा, नीचे नीचे नहीं दिख रहा है, इसे लिखते हैं इसको, इसका मतलब होता है वन बाय ए बी प्लस वन बाय बी सी ए सी रखिए पहले ए बी ए सी ए डी सबको सबसे मल्टीप्लाई वन बाय ए डी फिर बी सी वन बाय बी सी वन बाय बी डी ये तो हो ही गया, अब ए डी हो गया लास्ट में सी डी वन बाय सी डी सब मिला जितना टर्म आएगा एक दो बस सारे को अपने से मल्टीप्लाई जितकर में करना है वन बाय ए बी वन बाय ए सी वन बाय ए डी वन बाय ए डी बी सी बी डी और सी डी अगर एक दिया हुआ है चार टर्म की बात हो इसको पूछा जाए तो उत्तर आपका इसमें होता है माइनस चार, तो उत्तर होता है इसका माइनस चार। अगर आप ये याद रख पाए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कि अगर a माइनस वन बाय बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर अगर आपका यहाँ a दिया हुआ है अगर ऐसा है तो आपका वन बाय बी बराबर माइनस दो, अगर ये माइनस वन बाय बराबर बी बी माइनस वन बाय बी बराबर सी सी माइनस वन बाय सी बराबर a हो तो वन बाय ए बी बी सी सी ये होता है माइनस तीन, अगर ये चार टर्म तक गया हो आपका उत्तर होता है माइनस चार।
इसका उत्तर होता है -4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, सवाल क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये क्वेश्चन ऑफ डे था। इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, कल फिर मिलेंगे आप लोग एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो आपको इसके वीडियो के लास्ट में आपको दिया हुआ है सवाल, उस सवाल को आप लोग देखिए और आने का प्रयास कीजिएगा। कल उस सवाल के सोल्यूशन के साथ हम लोग आएंगे, लेकिन तब तक आप लोग उस सवाल को बनाइएगा और उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। उसका आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा हमें, उस जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ उसका सवाल हम कल आप लोग को बताएंगे। लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।